नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या जो है हमें पाइथन अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर सीखनी चाहिए या फिर नहीं सीखनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन आपको आंसर तो मिल गया होगा, आपने अगर इतना देख लिया, इतना सुना है मेरी बात तो, कि आपको जो है पाइथन जो है नहीं सीखनी, C++ सीखनी है। अब क्यों सीखनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो पाइथन लैंग्वेज है कैसी लैंग्वेज है, कि एक आदमी कैसे एक सोचता है उस तरह की लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा है, अगर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपको कोई एक वर्ड प्रिंट करानी, यानी कि कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी, तो आप सिंपल इसमें पाइथन में लिखते हो प्रिंट, और यहाँ पर जो है आपका कोट्स के अंदर जो भी आपको स्ट्रिंग सपोज हेलो प्रिंट कराना है तो आपने लिख दिया और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप जो है यही काम करोगे C++ में, आपको पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी और आपको यूजिंग नेम स्पेस STD यूज करना पड़ सकता है, फिर इंट मेन वाइड मेन जो भी आपको यूज करना है वो करोगे इस तरह से, और यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, और इसके बाद से आप जो है सी आउट लिखोगे, और फिर यहाँ पर हेलो लिखोगे, फिर सेमी कॉलन, फिर रिटर्न जीरो, और फिर यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट बंद। यानी कि आपका इतना प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा गया क्या करने के लिए, सिर्फ जो है आपको हेलो प्रिंट कराने के लिए। बट पाइथन में क्या है, आपने इतने में ही काम हो गया आपका, तो आपको इसमें कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ कैसे, मतलब कि सब कुछ प्रिंट कर दिया, ये जो भी हमने प्रिंट कराना था प्रिंट हो गया। बट जब आप ये वाला काम करते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं कि किस तरह से जो है ये पूरा काम हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो है पाइथन नहीं सीखनी है, आपको कौन सी लैंग्वेज पे जाना है, C++ पे जाना है, और आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, आप जो अच्छे से सीख सकते हो। फिर अगेन जो है कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, या फिर जो है मेरे पास एक अच्छा लैपटॉप नहीं है, तो क्या मैं जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकता हूँ। तो पहली बात तो है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप नहीं सीख सकते हो, क्योंकि मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में भी आप कर सकते हो, बट उसमें जो है आपको सभी जैसे कि कीबोर्ड में आपको इतनी सारे बटन्स मिल जाती है, एक साथ आप जो है टाइप करके आसानी से कर सकते हो, बट उसमें जो आपका टाइपिंग वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मोबाइल से आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप पड़ा है, ठीक है, कोई भी उसमें प्रोसेसर हो, तो आप उससे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब अगर आपको कोई एक लैपटॉप लेना है, तब इसके लिए जो है दो ऑप्शन है, कि आपके पास जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, और एक है कि आपके पास थोड़ा जैसे कि 35,000 से लेकर के 45,000 तक अगर आपके पास अमाउंट है, तो मैं बोलूँगा आप एक अच्छा PC लो, लैपटॉप लो। ठीक है, अच्छा लैपटॉप का मतलब कि i5 जो है उसका प्रोसेसर वगैरह हो, 8GB रैम हो, इस तरह का लैपटॉप लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बस आपको प्रोग्रामिंग ही करना हो, आपको आगे बहुत सारे काम पड़ेंगे, जिसमें कि आपका जो है ये i5 प्रोसेसर, 8GB रैम, उसमें जो है SSD आपका यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी होना चाहिए। ठीक है, HDD मत ले लेना, मतलब HDD रहे, बट क्या है कि SSD जो है आपका करीब करीब जो है 250GB हो गया, या फिर आपका 500GB हो गया, इस तरह से जो आपका SSD थोड़ा मिल जाएगा तो आपका जो PC बहुत फास्ट चलेगा। HDD भी रहता है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है हमें, और SSD में हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रख देते हैं, और बाकी जो हमारा HDD में बाकी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो है पैसे नहीं है, सपोज करो कि 20,000 से लेकर के आपके पास है 30,000 तक है, तो कोई बात नहीं, आप जो भी इसमें लैपटॉप मिल रहा है, ठीक है, अगर i3 मिल जा रहा है तो i3 ले लो, और इससे भी कोई कम क्वालिटी वाला जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, कम पावर वाला प्रोसेसर है, वो मिल जा रहा है तो उसको भी आप ले लो। ठीक है, वो भी आपका काम कर जाएगा। कैसे काम कर जाएगा, एक ऑप्शन आपके पास है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपका सारा काम जो है यहाँ पर क्लाउड कर देगा। कैसे क्लाउड करेगा, आपको जो है गूगल पे जाना है, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, गूगल पर जाओगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, सर्च करोगे ऑनलाइन कंपाइलर, और जो भी लैंग्वेज के लिए चाहिए, अगर आपको चाहिए C++ के लिए तो आप लिखो फॉर C++। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे आपको बहुत सारी साइट मिलेंगी, ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर एंड डिबगर फॉर C++ ऑनलाइन कंपाइलर,
आप जो है सभी को ट्राई करो, जो आपको अच्छा लगे बाद में वो यूज कर सकते हो। एक जैसे मैंने सपोज करो कि इसका सेकंड वाला ओपन किया, ठीक है, और ये जो है हमारा मेनली यहाँ पर हम कोड अपना लिख करके रन करा सकते हैं। कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, क्या है कि एक जो है यहाँ पर हमारा पीसी है या लैपटॉप है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ब्राउजर में ये चीज़ खुला हुआ है, और यहाँ पर एक सर्वर है, ठीक है। यहाँ पर जो है इनके पास जो भी कंपाइलर वगैरह है, काफ़ी अच्छी मशीन्स यहाँ पर, काफ़ी अच्छे सिस्टम यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जैसे हम पूरा कोड लिख लेते हैं, जब रन वाले पर क्लिक करते हैं, ये जो है कोड यहाँ से जाता है इस वाले सिस्टम पर, इस सर्वर पर, और यहाँ पर जो पूरा सिस्टम जो है लगा हुआ है, अच्छा सिस्टम होता है, काफ़ी फास्ट होता है, ये पूरा रन कराएगा। रन करा करके आपको जो आउटपुट आएगा आपको अगेन जो है सेंड कर देगा। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको आउटपुट दिख जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोसेसिंग वगैरह हो रहा है, ये कहाँ पर होता है, सब प्रोसेसिंग इस वाली मशीन पर हो रहा है, आपकी मशीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी मशीन जो है एक सिंपल मशीन है जो एक ब्राउजर को सपोर्ट कर सकती है, ब्राउजर को रन करा सकती है, इसमें ब्राउजर चल सकता है, तो बस आप जो है प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपको कैसा पीसी चाहिए, कैसा लैपटॉप चाहिए, जो भी आपका रहे। अब जो है नेक्स्ट हमारा है कि लास्ट है कि सी प्लस प्लस सीखने का कोई एक टिप, ठीक है। तो इसमें कुछ वैसा टिप नहीं है, एक चीज़ है कि आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, सब के सब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। अब इसको नोट्स पर नहीं लिखना है, ठीक है, नोट्स पर नहीं लिखना है। इसको क्या करना है, जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग करते हो, जिस भी सिस्टम पर, वहाँ पर जा करके आपको प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, और उसको रन कराना है। जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, हेलो का आपका प्रोग्राम दिखाया था, तो अगर मैं सिर्फ हेलो का प्रोग्राम दिखाता हूँ अगर लिख करके, तो आपको भी पूरा का पूरा अपने मन से वो लिख करके चेक करना है। अब होता क्या है कि फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि आप जो है कहीं कहीं पर जहाँ सेमी कॉलन नहीं है वहाँ भी सेमी कॉलन लगा दो, और जहाँ पर है वहाँ पर सेमी कॉलन न लगाओ, ठीक है। जहाँ पर ब्रैकेट आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, आप कर्ली ब्रैकेट छोड़ दो, इस वजह से आपका एरर आएगा। तो आप जब इस एरर को फाइंड करोगे, इस एरर को फाइंड करके ये सब चीज़ उसमें सुधार करोगे, तो धीरे धीरे करके आपको आइडिया लगता जाता है कि कहाँ पर क्या रहेगा, कैसे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि क्या करना है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम टाइम में जल्दी जल्दी सीखने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।